तो हेलो राम राम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। और ये है मेरे दोस्त सौरभ। और अभी कहाँ जा रहे भाई हम? अब जा रहे हैं हम दुगड्डा रोड पे। अभी हम जा रहे हैं मुआयना करने के लिए कि यार कोटद्वार में ना कहाँ कहाँ क्या क्या टूट फूट हुई है। अच्छा, क्योंकि आप सबको जैसे पता होगा कि आजकल यार बारिशें बहुत ज़्यादा चल रही है। और अभी भी देखो यार, मतलब मौसम ऐसा बादल वाला हो रखा है। खैर, सुबह तो आज धूप थी। और आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो अभी ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं। वैसे भी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, टाइम तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो अभी चलते हैं सीधा, मिलते हैं आपको सीधा स्कूटी पे। तो चलो यार, अब चलते हैं मार्केट की तरफ। तो मैं कल सुन रहा था कि यार 20 से 30 घर बोला बह गए। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो ना, मतलब ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और धूप भी नहीं आ रखी है, बारिश भी नहीं हो रही है, पर बादल लगे हैं। उमस सी हो रही है यार, पर ज़्यादा भी गर्मी नहीं है। खैर, उमस तो है क्योंकि आज धूप थी ना थोड़ी, तो आज लोग सब बाहर निकले हुए हैं। ये देखो यार कितने खड्डे हुए हैं रोडों में, हर जगह खड्डे ही खड्डे हो रखे हैं भयंकर। अरे रे 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 रे, कार वाले भैया आप कहाँ जा रहे हो? तो आज यार इंडिपेंडेंस डे है, तो आज अभी वाह यार धूप आ गई। बहुत दिनों बाद फिर से अभी धूप के दर्शन दोबारा से हो गए, देख रहे हो? और ये देखो यार ऊपर क्या ही नज़ारे दिख रहे हैं। और देखो कंडारी जी फिर से आ गए हैं तैयार होके। इनको यार ये जब भी निकलता है ना, इसको टचअप करने की ज़रूरत रहती है। ये टचअप करने के लिए आता है बार बार यार। अभी ना हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी पड़ रही है। अभी अभी देखा आपने, अभी अभी धूप थी और अभी अभी बारिश की बूंदें पड़ने लगी। बताओ क्या यार। तो यार ये देखो अभी अभी बारिश पड़ने लगी थी पीछे, और यहाँ धूप आ गई है देखो। ये देखो यार, मतलब मौसम भी हमारे साथ ना प्रैंक कर रहा है। और सामने देखो, सामने कितने बादल आए हुए। तो ये देखो यार इंडिपेंडेंस डे की रैली जा रही है, और बहुत जल्दी हम भी ऐसे जाएंगे। आज हमारे हमारे गाड़ी पे भी झंडा होना चाहिए था, नहीं कंडारी? ये देखो यार कितना ट्रैफिक आ रही है, कितने खड्डे हो रखे हैं, वहाँ कसम इतने खड्डे हो रखे ना रोडों पे, क्या ही बोलना। समझ नहीं आता रोड खड्डे में है या खड्डे में रोड है। खड्डे में रोड है, रोड में हमें नहीं, रोड में खड्डा है या खड्डे में रोड है, ये दोनों में से कुछ भी समझ हमको आता नहीं है यार। ये आ गया झंडा चौक, इतना बड़ा झंडा है यहाँ पे, सल्यूट है इस झंडे को। और अभी हम चलते हैं गाड़ी घाट की तरफ। हाँ, इधर से जाएंगे ना, राइट से गाड़ी घाट जाएंगे, वहाँ देख के आते हैं। वहाँ का पुल भी टूटा हुआ है मैं सुन रहा था कल, और वहाँ लोगों के घर भी बह गए। देख के आते हैं क्या क्या हुआ है वहाँ पे नुकसान बारिश की वजह से। इधर यार गंदगी बहुत करी रहती है लोगों ने। तो यार ये है वो पुल जिसके बारे में सब कह रहे थे कि वो टूट चुका है। यार यहाँ कितने खड्डे हैं यार, हर जगह खड्डे ही खड्डे हैं। इन खड्डों की वजह से तो मैं परेशान हो चुका हूँ यार, इस कोटद्वार में रोड कमर खड्डे ज़्यादा हैं। तो यार ये देखो, ये है पुल की स्थिति, ऐसे बंद हुआ हुआ है। अभी मैं नीचे से दिखाता हूँ आपको। तो यार देखो आ चुका हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे पूरे घर वगैरह टूटे हुए हैं यहाँ पे। पहले तो मैं ये पुल पे देख रहा हूँ, और जैसे मैं यार देख सकता हूँ कि यहाँ पे लोग ना पता नहीं क्या कर रहे हैं नदी में, कुछ तो ये लोग ना निकाल रहे हैं। वो आप देख सकते हो वहाँ पे ना एक बंदा नदी में उतरा हुआ है, और वो कुछ घर का जो मलबा है ना, जो छत है वो घर की, उसमें से देखो वो कुछ निकाल रहा है। अब वो चाहे पता नहीं, ये भैया लोग तो कह रहे थे वो सरिया वगैरह निकाल रहे हैं, कुछ बंदे यहाँ पे भी हैं नीचे, देखते हैं वो क्या क्या निकाल रहे हैं। तो यार ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे ये टूटा हुआ है। और ये ना पुराना वाला पुल है, मेन पुल ये था जिस पर सारी गाड़ी वगैरह यहाँ की चलती थी, और वो पुल तो टूट गया। मतलब पूरा है वो पुल, पूरा नहीं टूटा है, बट उसका मतलब इधर ये देख रहे हो आप साइड से, ये पूरा इधर का ना ये रीज़न खाली हो गया, इस वजह से इस पर चलना सेफ नहीं है, इसलिए ना इसको प्रशासन ने यहाँ पर बंद कर दिया। अरे देखो यार नदी अभी भी अपने मतलब पूरे उफान पर तो नहीं है, बट हाँ नदी में काफ़ी पानी है। अरे ये यार पुल ना सेफ्टी के नज़र से यहाँ पे बिल्कुल देख रहे हो आप, मतलब ये यहाँ से एकदम झुका हुआ है, इस पर कोई भी सेफ्टी नहीं है। और ये बच्चे लोग देखो कैसे बैठे हुए, और इधर वाला ये यार कितना मतलब नदी कितना काट के ले गई है अपने साथ। उधर सामने आप देख सकते हो, वहाँ से अगर मैं आपको क्लिप दिखाऊं तो यार देखो वहाँ से भी काफ़ी घर बह गए हैं। तो वो देखो वो सामने आपको दिख रहा है यहाँ पर ये वाला रीज़न, वहाँ पर से भी ना एक दो घर वहाँ से भी बहे हैं, आप देख सकते हो। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये यहाँ पर ना यहाँ पर से भी कुछ घर बह गए हैं। अब इधर गधा दिखूंगा, और वो देखो यार कैसे लोग मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये नदी में करना क्या चाहते हैं, जबकि यार सरिया निकाल रहे हैं।
सरिये निकाल रहे, बोला वो जो मकान हो गए और कुछ सामान वगैरह है। ये देखो ये लोग आपदा को ना अवसर बना रहे हैं, क्यों? तो यार मैं और सौरभ यही देखने आए थे, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे बहुत दिक्कत करी हुई है बारिश ने, जो इतनी बारिश हो रही है लगातार। थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखना है, इधर ज़्यादा कोने पे मत जाना भाई, देख ले चला जाएगा नीचे तो फिर हो गया। तो वो देखो यार लोग क्या क्या कर रहे हैं, और वो किसी का घर रहा होगा, पूरा मलबा वो पूरा टूट के आ गया। वो देखो वो पोज भी दे रहा है भाई वहाँ से। तो यार सौरभ के साथ अब मैं चलता हूँ आगे, आगे देख के आता है आगे की। देखो यार यहाँ पे कभी किसी का घर रहा होगा, और ये पूरा का पूरा घर अब सिर्फ और सिर्फ मलबा और खंडर में ही बचा हुआ है। ये देख सकते हो लोगों के घर कैसे, अरे यार क्या बात, सही बात है। रात को बारिश आएगी गिरना ही है, हम घर से तो बेघर ही हो गए। ये नीचे से खोखला हो चुका है यहाँ से पूरा। बताओ इधर कोई और नीचे ना, उधर जाके देखो नीचे से पानी चल गया। क्या कर सकते हैं, देखो यार कैसे मतलब लोगों का इतना मेहनत से बनाया हो घर पूरा। सही बात है, सही बात। तो ये देख सकते हैं यार आप यहाँ पे, ये देख सकते हैं यार ये कितना नुकसान हुआ हुआ है यहाँ पे। आगे वैसे जाना तो रिस्की है थोड़ा, यहाँ नीचे एकदम खाली हो रखा है, पर फिर भी आप देख सकते हैं यार कि अब मतलब जब प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है ना, तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ती, उसके लिए फिर बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, वो सबको एक जैसा ट्रीट करती है फिर उसके बाद। और वो देख सकते हो आप यार सामने भी ना कितना ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ हुआ है हर जगह, मतलब लैंडस्लाइड ही लैंडस्लाइड। ये देखो यार लोग अपना सामान पूरा यहाँ से खाली कर रहे हैं। आप ये देखो यहाँ पे किसी का कभी घर रहा होगा, जैसे मैं देख सकता हूँ ये किसी का किचन होगा, ये भी पूरा टूट चुका है। और ये सब ना पूरा एकदम खतरे के निशान पे है, मतलब ये यहाँ पूरा ये रिस्क वाला एरिया देख सकते हो आप। उधर से वो सामने देखो वो वाला घर है जो आपने क्लिप में देखा होगा किसी न किसी, वो वाला पूरा घर ही टूट गया था। तो यार ये देख सकते हो आप यहाँ से ना, जैसे कि अभी मैं भैया लोगों से पूछ रहा था क्या क्या यहाँ पे हुआ है डैमेज, तो यार यहाँ से 5 से 6 घर यहाँ से बह गए। एक घर यहाँ पे भी था, वो भी यहाँ पे अब घर का कोई नामो निशान नहीं है। जैसे कि आप ये देख सकते हो ये यहाँ पे पानी की फिटिंग, पानी की पाइपलाइन दिख रही है मुझे, यानी यहाँ पे घर रहा होगा कभी ना कभी। और अब यहाँ पे देख सकते हो यार क्या मतलब प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, सब एकदम ले गई वो अपने साथ। तो यही है जल प्रलय जब आती है ना, तो वो किसी को नहीं छोड़ती, सबका सब चीज़ें बह जाती है, सब चीज़ों को लेकर चली जाती है वो अपने साथ। भैया कितने घर बह गए यहाँ पे लगभग? 4-5 यहाँ पे थे, और इधर से 7-8 घर इधर से भी। बाप रे बाप, यार ये देख सकते हो आप, ये देखो कैसे खोखला हो गया यहाँ, इसके नीचे कुछ नहीं रह गया, अब इसकी बुनियादें खोखली हो गई हैं, और जो कुछ बचे हुए ये घर हैं इनके नीचे की मतलब बुनियाद, जैसे कि आप ये पीला वाला घर देख सकते हो उसके नीचे मतलब उसकी जो बुनियाद है, जो नींव है, वो पूरी खाली हो चुकी है। तो इन घरों में अब कौन रहेगा, कोई नहीं रह सकता अब, ये तो पूरा मतलब खतरा है, यहाँ पर रहना एकदम खतरे से खाली नहीं है, अपनी जान को हथेली पर रखने वाली बात है। तो यार आपने सुना होगा लोग कैसे अपने बेचारे दुख व्यक्त कर रहे हैं कि यार उनके इतने मेहनत से बनाए हुए घर जब टूट गए, बारिश ने पानी ने सब तहस नहस कर दिया, अब लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में है कि अब वो जाएँ कहाँ। सही बात है उनकी भी कि यार इतना सामान है, इतना वो है, ठीक है इतनी उनकी इनकम नहीं है कि वो इतना ज़्यादा रेंट दे पाए, तो वो जाएँ कहाँ। तो चलो यार मैं और सौरभ अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं, जहाँ से मतलब सिद्ध बली की तरफ, जिधर रोड भी टूटी हुई है, अभी आपको रोड भी दिखाएंगे कैसा कैसा नज़ारा है रोड का। और अभी हम पहुंच चुके हैं यार सिद्ध बली बाबा के मंदिर में, यहाँ पर ट्रैफिक जाम सा मुझे लग रहा है। तो ये है यार देखो हमारा सिद्ध बली मंदिर, हमारे हनुमान जी का घर, बड़ा प्यारा है। और आज यहाँ ना पूरा जाम लगा हुआ है, पता नहीं क्यों इन लोगों ने यहाँ जाम लगा रखा है। और अभी सौरभ तो चला गया है आगे स्कूटी लेके, अब मैं भी जाता हूँ उधर ही। तो चलो यार अभी चलते हैं यहाँ से आगे, ये देखने के लिए कि क्या क्या नुकसान कहाँ पर कितना हुआ हुआ है। ये देखो यार ये सिद्ध बली मंदिर है इधर, और इधर आगे दुगड्डा वाली रोड पे देखो कितना नुकसान हुआ हुआ है, हर जगह पूरा टूटा हुआ मलबा ही मलबा हर जगह आ रखा है। तो देखो यार आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा कीचड़ एकदम हुआ पड़ा है,
और लोग मजबूर है पता है पैदल सफ़र करने के लिए, क्योंकि आवाजाही तो यहाँ पे यातायात तो एकदम ठप हुआ हुआ है, गाड़ियाँ चल नहीं सकती है ना, तो इसी वजह से लोग यार पैदल ही जा रहे हैं। ये देखो पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर दूर से लोग आ रहे हैं, पैदल पैदल आ रहे हैं बेचारे, मजबूरी है क्या कर सकते हैं। आओगे कोटद्वार गाँव छोड़ के, आओगे बनाओगे कोटद्वार में घर, कोटद्वार में घर बनाना है तो ऐसे ही होगा। देख लो ये देखो लोग कैसे बेचारे पैदल आ रहे हैं, क्योंकि रास्ता तो एकदम बंद है, फोर व्हीलर जा ही नहीं सकते हैं यहाँ पे से। तो ये देखो यार यहाँ पे मतलब पूरा इधर भी टूटा हुआ है, इधर भी टूटा हुआ है, इधर तो रोड भी पता नहीं कितनी कितनी बह गई है, और ये देखो कंटिन्यू यहाँ पे पानी आ रहा है, तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल है यार गाड़ी ले जाने में भी ना। ये देखो लोग मतलब लोगों को पैदल, ऐसा नहीं है कि गाड़ी वालों को ही सिर्फ दिक्कत है, पैदल वालों को भी दिक्कत है। और ये देखो यहाँ से तो पूरी रोड ही टूट गई, यहाँ से तो पूरा रोड ही बह गया, जिसकी वजह से यहाँ से फोर व्हीलर पास हो ही नहीं सकते, और ये कीचड़, इस कीचड़ में कहीं स्लिप ना हो। तो पानी में ले जाता हूँ ना इधर, यार आप देख सकते हो यहाँ पे, और वो सामने आप झरना देख रहे हो वो कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति सिर्फ अपना रौद्र ही रूप दिखाती है, प्रकृति बड़ी खूबसूरत भी है, और जब प्रकृति अपनी खूबसूरती भी दिखाती है ना, तो उसका तो कोई मतलब जवाब ही नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यार इधर कितना एकदम हरा भरा हो रखा है सब कुछ, और कितने प्यारे प्यारे झरने बह रहे हैं, मतलब यार क्या बोलूँ अब मज़ा ही। पर कुछ लोगों को नुकसान भी हुए तो उस चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम है यार दगड़ियों। तो ये देखो यार यहाँ पे ऐसे मशीनें भी आ रखी है ताकि अगर रोड बंद हो तो उसे एकदम से खोल सके। ये देखो यार कितने बड़े बड़े यहाँ पे पत्थर आए हुए हैं यार, ये देखो कहीं पता लग रहा है कि यहाँ पे रोड ऐसी थी कभी, क्या रोड यहाँ पे, ये देखो पूरा पहाड़ ही टूट गया ऊपर से। तो यार इधर देख सकते हो इस वाली साइड में तो बारिश हो रही है भाई, टूट गई है, ये देखो ये है वो पुलिया जो टूट गई है। अब कितना यहाँ पे मतलब कितनी बारिश आई होगी, कितना क्या हुआ होगा देख सकते हो आप यहाँ पे, मतलब ये इतना तो कभी, इतना तो इसका पानी यहाँ पे कभी आज तक आया ही नहीं जीवन में, पर ये पता नहीं कैसे इस बार इतना आ गया। यही होता है जब प्रकृति अपना रूप दिखाती है तो। अब ये देखो यहाँ से भी पूरा रोड नीचे चला गया, पूरा का पूरा रोड यार यहाँ से नीचे चला गया बताओ। तो यार ये देखो भाई साहब मतलब क्या हो रखा है ये यहाँ पे इतना बढ़िया रोड था ना, इतना चौड़ा, इसी रोड को देख के मैं खुश होता था हमेशा कॉलेज जाते हुए कि यार यहाँ पे एकदम खुला खुला रहता है, खाली रहती है रोड, पर देख रहे हो आप एकदम पूरी पहाड़ी की पहाड़ी टूट के आ गई ऊपर से, पूरे पेड़ पहाड़ी, यार ये क्या हो रखा है यार भाई। ये देखो कितने हालात यहाँ पर ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हो चुका है। अब ये सड़क तो पता नहीं कब तक बनती है, और ये देखो यार ऊपर, अबे भाई ये कितना पानी आया होगा ऊपर से भाई। तो यार अभी हम कोटद्वार से सिर्फ और सिर्फ एक किलोमीटर आ रखे सिर्फ और सिर्फ हैं, और ये देखो मतलब इतना, इतने बड़े बड़े पत्थर, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार ये देखो रास्ता इतना ही रह गया, और यहाँ से नीचे तो यार ये लग रहा है कि ये कभी यहाँ पे ना पता है इतना घना जंगल था, और अब देखो वो तो यार एक गनीमत है कि वो जो सामने आप टावर देख रहे हो ना, वो अगर वो खड़ जाता तो समझ लो पूरे कोटद्वार को बिजली ठप, पर अभी फिर भी ये है कि चलो वो टावर बचा हुआ है तो बच गया। अरे सौरभ यहाँ पे मुआयना कर रहा है कि क्या क्या हो रखा है, क्या क्या उजड़ रखा है, बल मैं सब देख के जाऊँगा आज। ये देखो लोग मतलब टू व्हीलर तो अभी जा रहे हैं, टू व्हीलर के लिए तो खुल गया रास्ता, पर फोर व्हीलर के लिए तो कम से कम अभी जहाँ तक एक महीना तक लग सकता है ऐसा कहा जा रहा है। तो यार ये देखो अभी हम यहाँ से ना थोड़ा और आगे चलते हैं, आगे का देखते हैं आगे क्या क्या हो रखा है, क्यों भाई थोड़ा आगे भी अभी देखते हैं आगे क्या क्या हो रखा है। वैसे गाड़ियाँ तो आ रही है आगे से, यानी रोड तो खुल गया होगा, पर फिर भी ये देख के आते हैं कि कितना कितना टूटा है और कितना कितना वहाँ पर बंद रहा होगा परसों तक। देखो यहाँ पे अमन यार देहरादून जा रहा है अमन, और ये देखो भाई बड़े लोग, भाई अमीर, इतना ही अमीर बनना है बस।
अमीर बनना है, ये क्या कराता है इसको ठीक करा सारा नेताओं को बोलकर। ये जैसी मौसम विभाग को सूचना मिली थी कि अमन काला अभी गांव जाने वाला है, तो उसने बोला चलो यार अब रास्ते बंद कर देते हैं, ये बहुत घूमेगा वरना यहाँ ये देखो क्या बोल रहा है, मन का ना पानी की तरह है, उसे कोई नहीं रोक पाया, कोई नहीं रोक पाया ये सारे पत्थर भी। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भाई आपको, आपने तो आज झंडा लगाया नहीं अभी तक गाड़ी पे, झंडा नहीं भाई झंडा अच्छा चला भी उड़ के गिर जाएगा फिर डिसरिस्पेक्ट कहेगा तो देखो यार सही बात है। भैया अभी कहाँ रखा है देखिए रिसेंटली का, ये देखो यार ये मतलब इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा अभी आए हुए, ये मेरे को कुछ ताज़ा ही ताज़ा लग रहा है अभी। वैसे ये तो हर साल मतलब ये रास्ते तो टूटते हैं पर इस साल तो कुछ ज़्यादा ही टूट गया, टूटता था ये रास्ता हमेशा ही है, थोड़ा बहुत तो टूटता ही है। अरे देखो यार अभी हम पहुँच चुके हैं पाँचवें मील पर, जो कि हर बरसात में सुर्खियों पर रहता है क्योंकि हर बरसात में इसमें कुछ ना कुछ अनहोनी तो होती है। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, ये देखो खराब हो गया उधर मत ले जा सर ये। तो यार चारों तरफ मतलब बर्बादी ही बर्बादी, बर्बादी का मंजर आप देख सकते हो हर जगह, कैसे भूस्खलन ही भूस्खलन हुआ हुआ है। ये देखो इधर देखो ये सारा पूरा एकदम भूस्खलन हो रखा है पूरा। तो यार यहाँ अपना बारिश पड़ने लग गई है, अब मैं मिलता हूँ आपको सीधा बारिश ख़त्म होने के बाद। तो यार जैसे कि आपने देखा होगा क्या यहाँ की हालत है एकदम बुरी, और अब यहाँ बारिश होने लग गई है तो इसलिए अब हम घर की तरफ चलते हैं क्योंकि यहाँ रहना सेफ नहीं है, बारिश होगी तो ये रास्ता बंद हो जाएगा फिर से। अब ये देखो यहाँ पर काम तो चालू हो गया है पुल के बना मरम्मत का, पर पता नहीं है कब तक इसकी मरम्मत होगी। उम्मीद करता हूँ यार आप भी दुआ करना कि ये सब जल्दी से ठीक हो जाए क्योंकि इसकी वजह से ना बहुत कुछ नुकसान हमारे पहाड़ को उठाना पड़ रहा है, ये लाइफ लाइन है ये रोड भी गढ़वाल की पूरा, इससे फ्यूल वगैरह सब यहीं से जाता है, पेट्रोल डीजल है ना बहुत सारा सब्जी वगैरह। अब यही रोड बंद हो गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी ऊपर। यार अभी मैं और सौरभ आ रखे थे यार, इसने बोला मैंने ट्रेन नहीं देखी, इसको ट्रेन देखनी थी ट्रेन देख के जा रहे घर। अब ये देखो यहाँ पे धूप आ रखी है मस्त, और वहाँ एकदम बारिश हो रही थी भयंकर वाली, पूरे कपड़े गीले हो रहे थे और गीले क्या ये देखो कीचड़ पूरा कीचड़ लग गया। चले फिर घर चले। तो अभी हम पहुँच चुके हैं सौरभ के घर पर, अब सौरभ को घर पर छोड़ देंगे वो उसका घर, और मैं चलता हूँ घर। बाय बाय गाइस, बाय बाय। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो यहीं पे मैं ब्लॉग का एंडिंग कर रहा हूँ, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो यू नो द ड्रिल, यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टिल देन बाय बाय।